सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोसोशल डेवलपमेंट थियोरी ऑफ एरिक एरिक्सन, मतलब एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो की एक इंपॉर्टेंट थियोरी है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, डीट प्लस बी हो या कोई अदर एग्जाम हो। ये थियोरी आपको हेल्प करेगी समझने में कैसे बच्चे का विकास होता है, उसके मन और समाज का क्या संबंध है उसके विकास में। और ये जो थियोरी है, ये आपको पेडागॉजिकल सेक्शन में क्वेश्चंस डील करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आप बच्चे के विकास को बेहतर समझ पाएंगे एक अलग दृष्टिकोण से। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें हम इंक्लूड करेंगे जो सीटेट में एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के टाइम पर। इसके अलावा हम समझेंगे एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं, कैसे इनकी थियोरी फ्रॉइड की थियोरी से अलग है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो स्टेजेस हैं, कैसे एक व्यक्ति थ्रू आउट स्टेजेस, थ्रू आउट लाइफ डेवलप करता है कुछ स्टेजेस में, उसको भी देखेंगे। अगर हम बात करें तो एरिक्सन्स थियोरी सेंटर्ड ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट रेदर देन साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। बेसिकली जो एरिक्सन का ये सिद्धांत था, मनोसामाजिक सिद्धांत, इसने मन और समाज की बात की है, डेवलपमेंट में उनका रोल बताया है, ना कि सेक्सुअल अर्ज का या लिबिडो का या साइको सेक्सुअल थियोरी में जिस तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी। हालांकि ये प्रभावित है सिगमंड फ्रॉइड की थियोरी से, लेकिन बिल्कुल अलग है। तो समझेंगे क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। अगर हम बात करें तो एरिक्सन कहते हैं लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, कि जो आपकी जिंदगी है उसका कोई मतलब नहीं है बिना निर्भरता के। तो हम समाज से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और हमें एक दूसरे की जरूरत है। जितना जल्दी हम ये बात समझते हैं, उतना बेहतर हम सीख पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। तो इस थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे एरिक्सन के। इन्होंने 8 स्टेजेस दी, कहा किस तरह से मन पर आपके समाज का प्रभाव पड़ता है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। आप हर दम एक सिचुएशन में होते हैं, एक क्राइसिस में होते हैं। अगर आप वहां से अच्छे से टैकल करते हैं तो आप हेल्दीली ग्रो कर जाते हैं। और हर एक स्टेज में जो क्राइसिस है, एक चैलेंज है, उसकी इन्होंने बात की है। थ्रू आउट लाइफ इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, ये इनकी खास बात है, कि मतलब बिल्कुल आपके मरने तक, अडल्टहुड तक इन्होंने बात की है, ओल्ड एज तक की, इन्फेंसी से लेकर के। तो इन स्टेजेस को समझेंगे। उससे पहले एरिक होमबर्गर, एरिक्सन के बारे में बात करते हैं। एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने काम किया सिगमंड फ्रॉइड के साथ, उनकी बेटी एना फ्रॉइड के साथ, जिनके काम पर उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन ये अलग बात करते थे, वो बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड सेक्सुअल डेवलपमेंट या सेक्सुअल अर्ज के बारे में, लिबिडो के बारे में। लेकिन जो एरिक्सन है वो बात करते हैं ईगो की इंपॉर्टेंस पर, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए इनको मेनली जाना जाता है। मतलब एक व्यक्ति किस तरह से अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस में होता है और किस तरह से अपनी पहचान वो बनाता है, इसके बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंस है इनकी थियोरी की और एरिक्सन की भी। अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली प्री डिटर्मिंड स्टेजेस में डेवलप करता है। 8 स्टेजेस का इन्होंने नाम लिया। जितने भी स्टेज वाले साइकोलॉजिस्ट हैं या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही कहेंगे कि जो हर एक स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें भी जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड या बचपन वाली जो स्टेजेस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये हम समझेंगे किस तरह से इन्फेंसी से अडल्टहुड तक जाना है। इसके अलावा इन्होंने बात की द पर्सन एक्सपीरियंसेस आर साइको सोशल क्राइसिस। हर स्थिति में मन और समाज के बीच में एक क्राइसिस है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आउटकम हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अगर आउटकम पॉजिटिव रहता है तो आप बहुत हेल्दी ह्यूमन बींग की तरह डेवलप करते हैं, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जो आपको आगे आने वाली स्टेजेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये जरूरी है कि आप सक्सेसफुली कंप्लीट करें ईच स्टेज को। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा जो पहली स्टेज है वो आगे आने वाली स्टेज को प्रभावित करती है। तो ये जरूरी है जो चैलेंज है, और जिस हर एक चैलेंज में जिन भी लोगों का रोल है वो अच्छे से अपना रोल प्ले करें। समझेंगे, देखेंगे इसको, और हिंदी में भी देख लेंगे जो इनके नाम है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट से लेकर और 8th स्टेज तक 8 स्टेजेस की बात हुई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की। अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। बेसिकली हर एक स्टेज में कुछ साइकोसोशल क्राइसिस हैं। अब इन क्राइसिस में से आपको हेल्दीली ग्रो करना है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी, और कुछ टास्क होंगे उनके बेसिस पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो हर एक स्टेज में कुछ कुछ लोगों का रोल होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में माँ का बहुत बड़ा रोल है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट इसको हम कहते हैं, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास की स्थिति, जहां पर अगर बच्चे के अंदर विश्वास डेवलप होता है, हम कहें अगर जो फीडिंग है, बेसिकली बच्चे को प्रॉपर टाइम पर दूध मिलता है, लव केयर और वॉर्मथ मिलती है, तो ट्रस्ट की तरफ होता है वो झुकाव जो उसका होगा, और अगर ट्रस्ट होगा तो होप आएगी जीवन को लेकर के। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो उसके अंदर अविश्वास पैदा होगा, जीवन को लेकर होप नहीं आएगी। ये जरूरी है जानना, मतलब अबेंडनमेंट अगर हुआ, उसको मना किया गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया, तो ये स्थिति पैदा होगी, नेगेटिव इमोशन की तरफ हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा आगे आने वाली स्टेजेस में भी। तो नेक्स्ट जो एक बेसिकली ये ध्यान में रखें, इन्फेंसी की स्टेज क्या है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। अगर सेकेंड की हम बात करें तो सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, कहा है इसको एरिक्सन ने।
डेढ़ से तीन साल की अवस्था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब कि बच्चा स्वायत्त होता है अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर हो, और अगर नहीं हुई तो क्या होगा, उसके अंदर शेम आएगी, शर्म आएगी। अगर वो ऑटोनॉमी में रहा तो क्या होगा, स्वायत्त हुआ तो विल आएगी जीवन को लेकर, इच्छा शक्ति उसकी बनेगी, अगर नहीं ऐसा हुआ तो शेम आएगी। नेक्स्ट है थर्ड टू फिफ्थ ईयर, थ्री टू फाइव ईयर्स, जिसमें हम इसको भी समझेंगे अभी रिवाइज करते टाइम। थ्री टू फाइव ईयर्स का बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो ये कहता है कि बच्चा क्या करता है, इनिशिएट करना शुरू करता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएट मतलब वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है, अपने जो कुछ प्ले है उसमें वो इन्वॉल्व होता है, अपने जो खिलौने हैं उनको वो चूज करता है, अपनी ड्रेसेस को वो चूज करता है। अगर ये काम करने में वो सक्सेसफुल रहता है, इनिशिएट करने दिया जाता है उसको, हर टाइम पे टोका नहीं जाता, नेगेटिव नहीं बोला जाता, तो क्या होगा, इनिशिएटिव की क्वालिटी आएगी जिससे पर्पस डेवलप होगा जीवन को लेकर के। अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया बीच में, या बैलेंस नहीं बना दोनों के बीच में, तो क्या होगा, गिल्ट आ जाएगा। भाई जैसा फ्रॉइड कहते हैं बेसिकली, हर कोई यही कहेगा कोई भी स्टेज है तो एक बैलेंस बने, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा इस तरफ झुकाव हो या बहुत ज्यादा इस तरफ झुकाव हो, दोनों का ही नुकसान होगा। नेक्स्ट है 5 to 12 ईयर्स की एज, जिसको हम स्कूल एज भी कहते हैं, जिसको हम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की अवस्था कहेंगे। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब बच्चा इंडस्ट्रियस होता है, कुछ काम करता है, मतलब कि स्कूल जाना शुरू कर देता है इस स्टेज में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है, एक कॉम्पिटेंसी की भावना आती है उसमें। यदि वो इंडस्ट्री में होता है, मतलब कुछ कुछ काम करता है और उसको उस चीज़ के लिए अप्रिसिएट भी किया जाए, तो वो कॉम्पिटेंसी आएगी जीवन भर के लिए, उसे लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो अगर वो बहुत ज़्यादा फेल होता है, या फिर स्कूल स्पोर्ट्स में या कुछ भी छोटे मोटे टास्क में, या उसको बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के लिए, तो इन्फीरियोरिटी आएगी। नेक्स्ट है 12 से 18 वर्ष की अवस्था। अब ये क्या है, टीनेजर वाली एक स्थिति है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस का है इसकी वजह से। एरिक एरिक्सन ने कहा है कि यहाँ पर बच्चे के सामने आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, मतलब उसको अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करनी होती है कि वो अब बड़ा है, एडोलेसेंट है, या फिर एक बच्चा है, या फिर एक अडल्ट है। तो ये ट्रांजिशन है बेसिकली चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक। अगर हम बात करें तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है यदि सब कुछ ठीक रहता है, अदरवाइज तो वो रोल कंफ्यूजन में होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि सोसाइटी में उसका क्या रोल है। आइडेंटिटी मतलब आपकी जो ईगो का सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। जैसे ही आइडेंटिटी बनेगी बेसिकली, वो समझेगा अपने जीवन को लेकर के, वो करियर क्या चूज करेगा, वो कैसा घर बनाएगा, वो कैसे रिलेशनशिप्स में रहेगा, तो ये सब चीजें क्या है, उसके अंदर आइडेंटिटी बनाएंगी। तो इससे क्या आएगा, एक गुण आएगा जिसको फिडेलिटी कहेंगे हम, मतलब निष्ठा आएगी सत्य के प्रति। सोशल रिलेशनशिप्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 18 से 40 वर्ष की अवस्था। हालांकि 5 जो स्टेज हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, स्कूल में बच्चा क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में ही होता है, उसके बाद की 3 स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो 6th स्टेज है वो है 18 to 40 ईयर्स की, जहां पर बच्चा एक अडल्ट की तरह काम करता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का रोल है यहाँ पर, या तो बच्चा इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाएगा नहीं तो अकेला रह जाएगा, मतलब कि यहाँ से एक वर्च्यू, एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है प्यार करने की जीवन में, और रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से निभाने की। तो अगर उसके रिलेशनशिप्स ठीक होते हैं तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म करता है, लाइफ लॉन्ग होते हैं, जो कि नहीं तो वो आइसोलेट हो जाता है, अकेला ही रहता है। फिर 40 से 65 वर्ष की जो अवस्था है, जेनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन इसको कहते हैं। यदि इस उम्र में जो एक व्यक्ति होगा बेसिकली, अगर वो ठीक ठाक कमा रहा होगा, अपना घर ठीक से चला रहा होगा, समाज में कुछ योगदान दे रहा होगा, तो वो जेनरेटिविटी की स्टेज में होगा, मतलब प्रोडक्टिव समझेगा खुद को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो स्टैग्नेंट समझेगा, रुका हुआ समझेगा अपने जीवन को। अगर जेनरेटिविटी हुई तो उसके अंदर केयर आएगी सभी को लेकर के। तो वर्क एंड पेरेंटहुड का टाइम है, जब एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा करते हुए देखता है, उनके लिए कुछ अच्छा करता है, अपनी नौकरी में कुछ अच्छा करता है, और अपने समाज में कुछ अच्छा करता है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी 65+ ईयर्स। 65 साल से ऊपर की जो अवस्था है, वहां पर ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर होता है। डिसअपेयर मतलब कि क्या होगा, इंसान जो है खो सा जाएगा। यहाँ पर 65 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करता है अपनी पूरे एक जीवन पर कि क्या उसने पाया, क्या उसने खोया, क्या उसकी जिंदगी सफल थी, क्या उसकी जिंदगी सफल नहीं थी, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। जब वो रिफ्लेक्ट करता है, यदि वो पाता है कि वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके अंदर विजडम आती है, अदरवाइज तो वो डिस्पेयर में खो जाता है कहीं। तो ये जानना जरूरी है यहाँ पर। ये कुछ 8 स्टेजेस थी, अगर हम इनको रिवाइज करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बेसिकली इन्फेंसी से, जन्म से 1-1.5 साल तक, 18 महीने तक ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की स्थिति है, जब जहां बच्चा क्या है, उसको जो प्रॉपर फीडिंग है वो मिलती है। अगर अच्छी केयर मिली तो क्या होगा, ट्रस्ट आएगा, नहीं तो मिसट्रस्ट आएगा। होप की यहाँ पर एक वर्च्यू डेवलप होती है। अगर हम बात करें 2nd स्टेज की, तो अर्ली चाइल्डहुड है ये, 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इसको कहते हैं। यदि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग में सफल हो जाता है तो वो ऑटोनॉमी में होता है, अदरवाइज शेम आती है उसके अंदर, और यहाँ पर विल जनरेट होती है 2nd स्टेज में। नेक्स्ट है प्री स्कूल ईयर्स।
अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जिसको हम कह सकते हैं, इसमें क्या है बेसिकली, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। मतलब बच्चा इनिशिएट करता है, अपने खिलौने अपने कपड़े चूज करेगा, अदरवाइज तो वो गिल्ट में होगा। नेक्स्ट है स्कूल एज, जिसको एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, 5 से 12 वर्ष की अवस्था, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी। बच्चा इंडस्ट्रियस होता है अपने, अगर स्कूल में वो अच्छे से काम करता है कॉम्पिटेंस डेवलप होगा, अदरवाइज तो वो इन्फीरियर समझेगा खुद को, दूसरों से कम समझेगा जीवन भर। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है, अपने फ्यूचर गोल्स समझता है, अपनी आइडेंटिटी को समझता है, देखता है वो एक चाइल्डहुड में है या बेसिकली वो अडल्ट बन चुका है, दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी को फॉर्म करेगा ईगो के थ्रू। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रोल कंफ्यूजन में रहेगा जीवन भर कि उसका क्या रोल है समाज में, वो नहीं पता कर पाएगा। नेक्स्ट है यंग अडल्टहुड। अब यंग अडल्टहुड में क्या होता है, या तो लोग इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, लव में होते हैं, अदरवाइज तो क्या होगा, वो आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले रह जाएंगे अगर वो हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाए तो। नेक्स्ट है मिडल अडल्टहुड। अब यहाँ पर क्या है, 40 साल से 65 वर्ष में एक व्यक्ति जेनरेटिविटी में, मतलब प्रोडक्टिविटी में होगा, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, एक प्रोडक्टिव काम कर रहा होगा, समाज में कुछ योगदान दे रहा होगा, नहीं तो वो स्टैग्नेंट फील करेगा, मतलब रुका हुआ पाएगा खुद को। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, या कह सकते हैं इसको ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 65 साल से ऊपर की एक आयु है, एक व्यक्ति आईने में देखता है खुद की जिंदगी को, रिफ्लेक्ट करता है और पाता है किस तरह से वो विजडम प्राप्त करेगा यदि वो अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल पाया उसने पीछे मुड़ के, नहीं तो वो डिस्पेयर में कहीं खो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, ये कुछ स्टेजेस थी जिसके प्रति बेसिकली हर एक स्टेज का अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक परेशानी है, कमी है, आप डील करते हैं हर स्टेज पे कुछ चैलेंजेस से। अगर आप हेल्दीली ग्रो करते हैं, आपके आसपास वाले लोग बैलेंस बना करके रखते हैं, आपकी जो स्टेजेस में जितनी भी बेसिकली समस्याएं थी, क्राइसिस थे या जो भी चैलेंजेस थे उनके बीच में, तो आप बेहतर कर पाते हैं। किसी भी एक तरफ आप बहुत ज़्यादा झुकेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये स्टेजेस थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ये हिंदी में नाम है इन स्टेजेस के, 8 स्टेजेस के। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो जो थॉट था साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में उसको देख लेते हैं और कैसे ये फ्रॉइड से अलग थी। तो अनलाइक फ्रॉइड्स थियरी, जो उनकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी उस पर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बात की कि सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे इम्पैक्ट डालते हैं आपकी जिंदगी के थ्रू आउट लाइफ, कैसे सोशल एक्सपीरियंस जो सामाजिक अनुभव हैं वो इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन फ्रॉइड ने इसकी बात नहीं की, फ्रॉइड ने बात की सब अंदर है और बेसिकली जो एक लिबिडो है या सेक्सुअल अर्ज है वो आपको ड्राइव करती है और मन की 3 अवस्थाएं बताई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ईगो पर जोर दिया, ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया। लेकिन वहां पर क्या कह रहे थे फ्रॉइड कि ईगो तो बीच में रेफरी का काम करता है, यहाँ एकदम उल्टा हो गया। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये सोशल इंटरेक्शन में और रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड थे ज़्यादा। और दूसरा कुछ ये कि जो हर एक स्टेज है पहले वाली, वो आगे आने वाली स्टेज में हेल्प करेगी, इंपॉर्टेंस अपनी छाप छोड़ेगी, इम्पैक्ट करेगी उसको। जो एरिक्सन है उन्होंने विश्वास रखा कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट का, एक झगड़े का, दो ग्राउंड्स हैं बेसिकली या दो तरफ के डिसीजन हैं, अगर वो एक साइड झुकते हैं तो अलग एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, नहीं तो हेल्दी बनेंगे। नेक्स्ट है बेसिक वर्च्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विच द ईगो कैन यूज टू रिजॉल्व सब्सिक्वेंट क्राइसिस। तो ये बेसिकली ये कुछ कुछ बातें थी। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो ये था, साइको सोशल थियोरी एम्फेसाइजेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो किस चीज पर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, फैलिक एंड लेटेंसी स्टेजेस पर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन पर, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी पर, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संकेतात्मक अवस्था की बात प्याजे करते हैं, फैलिक एंड लेटेंसी की बात फ्रॉइड करते हैं, और जो तीसरी स्टेज है स्ट्रीमलेस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन, इसकी बात बिहेवियरिस्ट करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी है उसकी बात कौन करते हैं, एरिक एरिक्सन करते हैं। और आपको इन स्टेजेस के नाम जरूर ध्यान में रखने हैं, क्राइसिस को ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द डैश स्टेज वंस एबिलिटी टू कोप विद डिमांड्स इज चैलेंज्ड एंड आइदर कॉम्पिटेंस और इन्फीरियोरिटी आर द आउटकम्स। बेसिकली जो एक व्यक्ति की जो एबिलिटी है, क्षमता है कोप करने की डिमांड्स के साथ, वो चैलेंज की जाती है, और अगर वो या तो डेवलप करता है हेल्दी तो कॉम्पिटेंस आएगा, नहीं तो इन्फीरियोरिटी आएगी। कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, प्री स्कूल एज है, स्कूल एज है। तो देखो डिमांड को अगर फुलफिल करेगा तो कॉम्पिटेंस आएगा। कौन सी स्टेज का एक वर्च्यू था, कौन सी स्टेज की एक स्ट्रेंथ थी, तो स्कूल एज की, जहां पर इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी की बात की जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द लाइफ स्टेज वर्च्यूज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो लाइफ स्टेज वर्च्यूज या लाइफ स्ट्रेंथ कौन सी नहीं होगी, होप, लव, ऑनेस्टी या विजडम। तो बिल्कुल ऑनेस्टी को उन्होंने नहीं बात की, ऑनेस्टी की किसी भी स्टेज में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साइको सोशल क्राइसिस रिजल्ट्स इन आइदर अ फीलिंग ऑफ सेल्फ विल और गिविंग अप।
तो सेल्फ विल आएगी या तो आपके अंदर, नहीं तो आप गिविंग अप की बात करेंगे, छोड़ देंगे चीजों को। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है, इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन है। तो सेल्फ विल आपकी सेकंड स्टेज में आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच साइकोसोशल स्टेज सेंटर्स अराउंड इंटीग्रेटिंग अ न्यू पर्सनैलिटी आउट ऑफ द मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस एट दिस टाइम इन इंडिविजुअल्स लाइफ। आइडेंटिटी कब फॉर्म होती है, बेसिकली ये पूछा गया है। आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन में, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट में, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट में, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी में। तो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन जो आपकी स्टेज है एडोलेसेंस की, वहीं पर आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है और आप जीवन भर के लिए अपना रोल ढूंढते हैं, नहीं तो रोल कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये कुछ स्टेजेस थी जिनको हमने देख लिया है, फर्स्ट स्टेज से लेके 8 स्टेजेस तक। और हर किसी का अपना एक चैलेंज है और हर स्टेज में एक व्यक्ति ग्रो करता है, पीछे वाली स्टेज उसको इम्पैक्ट करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अपने विचार। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।